सब्सक्राइब करें ओम टॉक चैनल को और बेल आइकन को दबाएं लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। मैं हूं आपका दोस्त ओम प्रकाश और आप सभी का स्वागत करता हूं ओम टॉक चैनल पे। दोस्तों, आज हम सीखने वाले हैं क्रॉस कंपाउंड के बारे में। क्रॉस कंपाउंड को हम कैसे एक नॉर्मल पावर में देख सकते हैं, इसके बारे में मैं आपको आज बताने वाला हूं। दोस्तों, आप अगर हमारे चैनल पे नए आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि इस चैनल में आपको चश्मे से संबंधित सभी टाइप की जानकारियां मिलती रहेंगी। दोस्तों, इस वीडियो के थ्रू मैं आपको क्रॉस कंपाउंड को हल करने का बहुत ही आसान तरीका बताऊंगा। मैंने बहुत सारे वीडियो देखे हैं जिसमें कि बहुत सारे बातें बताई गई हैं जो हमारे ऊपर से निकल जाती है, लेकिन मेरे वीडियो में आपको ऐसा दिक्कत नहीं आएगा। मैं बहुत ही सिंपल तरीके से आपको बताने वाला हूं, तो हमारे वीडियो में अंत तक बने रहिए और सीखिए। तो दोस्तों, यहां पे क्रॉस कंपाउंड मेथड के लिए आपको सबसे पहले ये जानना है, इसमें क्या है कि ये 90 का सिंबल है और ये 180 का है। आप जानते ही होंगे दोस्तों कि जब हम न्यूट्रलाइज करते हैं तो जो 90 होता है वो अगर सीधा रहे तो बिल्कुल भी उसमें कोई मूवमेंट नहीं होता है, और अगर 180 का हो दोस्तों, यानी कि वो आड़ी रेखा में हो, तो इसको अप या डाउन करने से इसमें मूवमेंट होने लगता है। तो ये आपको ध्यान रखना है, बहुत ही सिंपल सी बात है, इतना तो शायद आप जानते ही होंगे। तो ये क्रॉस कंपाउंड के लिए सबसे पहली बात है कि आपको इसकी जानकारी होनी चाहिए। उसके बाद चलिए दोस्तों, हम कुछ नंबर्स ले लेते हैं। जैसे कि हमारे पास ये नंबर है -3.5, जो मैंने टाइटल में भी दे रखा है, और +2 और 90 का एक्सिस। तो इसको हमको, इसकी ये जो क्रॉस कंपाउंड है, ये आप देख रहे हैं, ये क्रॉस कंपाउंड पावर है, क्रॉस पावर है, इसको हमको सिंपल पावर में लाना है। तो हम कैसे करेंगे ये सिंपल पावर, सिंपल तरीके से मैं आपको बताने जा रहा हूं। आपको सबसे पहले क्या करना है कि -3.5 में +2.0 को घटा देना है, तो ये घटाने के बाद क्या हो जाएगा, 1.5 हो जाएगा, और सिलेंडर में कोई चेंजेस नहीं रहेगा, सिलेंडर हम सेम टू सेम लिखेंगे। ये हमने नंबर्स लिख लिया दोस्तों। अब यहां पे प्लस आएगा या माइनस, इसके लिए हम क्या करेंगे, फिर से वही बड़ी और छोटी संख्या को देखेंगे। तो हमारे पास बड़ी संख्या है माइनस में और छोटी संख्या है प्लस में, तो अक्सर बड़ी संख्या को लेते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा -1.5 और -2.00। अब उसके बाद एक्सिस का नंबर आता है, तो एक्सिस जो है दोस्तों, अगर आपके पास 90 है तो आप इसमें 90 प्लस कर देंगे, तो 90 और 90 हो जाएगा 180। तो ये आपका सिंपल पावर हो गया रेडी। तो दोस्तों, यहां पे मैंने लिखा है कि एक्सिस में ध्यान दें, आपको मैंने बता दिया कि -3.5 और +2 और हमारे पास है 90 का एक्सिस, और हमने जब इसको पावर में कन्वर्ट किया सिंपल पावर में तो हमको ये मिला। तो ये कैसे मिला दोस्तों, ये आपके पास अगर 90 एक्सिस है तो इसमें 90 को ऐड कर देने से ये सीधा सीधा 180 मिल जाता है, लेकिन अगर आपके पास कोई डिफरेंस टाइप का एक्सिस आया तब आप क्या करेंगे, यानी कि 90 से ऊपर अगर एक्सिस आता है, यानी कि आपके पास हो गया 120 का एक्सिस आता है, तो अब हम इसमें क्या करेंगे, 120 में आप अगर 90 जोड़ते हैं, 120 में अगर आप 90 जोड़ देंगे दोस्तों, तो यहां पे क्या हो जाएगा, ये 210 हो जाएगा। लेकिन ऐसा एक्सिस तो होता नहीं है, एक्सिस तो 180 तक ही होता है ना। तो यहां पे आपको क्या करना है, यहां पे आपको अगर 90 से ऊपर का एक्सिस आता है तो आपको 90 ये 120 इसमें घटा देना है दोस्तों,
नहीं समझ पाए होंगे, मैं दूसरा पेज ले लेता हूं। फॉर 90 के लिए दोस्तों, आपके पास अगर 10, 20, 30 या ऐसे ऐसे करके 90 तक अगर आपके पास एक्सिस है तो इन सब में हो जाएगा प्लस 90। आपको प्लस को जोड़ देना है। और अगर 90 से ऊपर है आपके पास, यानी कि 100, 120, 150 या जो भी ऐसी 180 तक अगर आपके पास एक्सिस है तो आपको इसमें क्या करना है, इसमें माइनस कर देना है 90 को ही। तो चलिए हम यहां पे एक एग्जांपल ले लेते हैं। हमारे पास है अगला पावर जो है प्लस थ्री और माइनस वन। एक्सिस है हमारे पास 120 का। हम इसको सिंपल पावर में जब लाएंगे तो ये हो जाएगा प्लस टू और प्लस वन। सिलेंडर सेम टू सेम रहेगा और इसमें हम 90 माइनस कर देंगे। अगर 90 माइनस करते हैं तो हमारे पास क्या आएगा दोस्तों, क्योंकि अगर हम इसमें प्लस कर देंगे तो ये 180 से ज्यादा हो जाएगा, 180 से ज्यादा हो जाएगा और हमारा जो एक्सिस होगा वो गलत हो जाएगा। इसलिए हम इसमें क्या करेंगे, 90 को माइनस कर देंगे। इस बात का आप ध्यान रखेंगे, 90 माइनस करेंगे तो यहां पे हो जाएगा 30, 30 डिग्री आपको मिल जाएगा। तो ये आपका पावर बन जाएगा दोस्तों। फिर ऐसे ही आपको एक्सिस मार्किंग करके फिटिंग करनी है। बहुत सिंपल है, वैसे आप कर लेंगे, फिर भी मैं एक और बता देता हूं आपको। हमारे पास पावर है प्लस वन और माइनस 0.05, एक्सिस यहां पे ले लेते हैं 90। तो इसको हम सिंपल पावर में कैसे लिखेंगे, बहुत ही सिंपल है। आपको सीधा सीधा माइनस वन में माइनस 0.5 को आपको घटा देना है तो फिर क्या बचेगा, हमारे पास 0.5 बचेगा। और सिलेंडर तो सेम टू सेम उतार देते हैं जैसा है वैसे ही। और ये अगर 180 है, जैसे कि मैंने पहले बताया था कि अगर 90 से ऊपर है तो उसमें माइनस कर देना है, तो 90 इसमें माइनस करेंगे तो हमारे पास 90 बचेगा। और यहाँ पे आप सिंबल देखिए, फिर से ये बड़ी संख्या है और ये छोटी संख्या है। तो बड़ी संख्या हमारे पास है तो हम क्या करेंगे, बड़ी संख्या को दोनों में डाल देंगे। तो ये हमारा पावर तैयार हो गया है दोस्तों। ऐसे ही आपको जो भी आपके पास पावर आए आप उसको बड़ी आसानी से हल कर सकते हैं। बहुत सिंपल है दोस्तों। यहाँ पे देखिए, जैसे कि मैं एक और बता देता हूँ आपको, -4 है और प्लस 0.5 है। एक्सिस अपन जो भी ले लेते हैं, एग्जांपल मैं 90 ले लेता हूँ, बाकी जो भी एक्सिस हो इसमें आप जो पहले में जो मेथड बताया हूँ, प्लस जोड़ना है और घटाना है, उस टाइप का आप कर लेंगे। तो हम इसको सीधा सीधा सा अपन उतार देंगे तो क्या होगा, -4 और -0.5 अगर घटा देते हैं, क्योंकि बड़ी संख्या माइनस है इसलिए घट जाएगा ये, तो घटेगा यहाँ पे माइनस का सिंस लग जाएगा और ये हो जाएगा 3.5 और माइनस हो जाएगा, प्लस था तो माइनस हो जाएगा, बाकी सिलेंड्रिकल जो है जैसा है वैसे ही उतार देंगे। तो ये बहुत सिंपल है, आप इसको ऐसा बना सकते हैं। कभी कभी दोस्तों आपने देखा होगा कि जैसे हम कोई लेंस ऑर्डर करते हैं तो वो ऑर्डर में इस टाइप का लिखा हुआ आता है, जैसे कि -0.5 और +0.5, एक्सिस जो भी आप ले ले उसको। एक्सिस के बारे में तो मैं आपको समझा दिया हूँ। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि दोनों ही नंबर सेम है, नंबर सेम है और प्लस इस पे माइनस और प्लस का ही चेंजेस है। तो हम कैसे जानेंगे कि अब इसके जो भी अगर आप अपन सिंपल पावर लिखते हैं तो उसमें क्या लिखेंगे, प्लस लिखेंगे कि माइनस लिखेंगे, यहाँ पे थोड़ी सी सोचने वाली बात है, क्योंकि दोनों संख्या समान है तो हम प्लस को लेंगे या माइनस को लेंगे। तो यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है दोस्तों, यहाँ पे आप सीधा सीधा 0.5 में 0.5 अगर घटा देते हैं तो वो हो जाता है 0, और यहाँ पे 0.5 सिलेंड्रिकल जो है वो सेम रहता है और एक्सिस जो भी 90 है तो 180 एक्सिस पलट जाएगा। तो अब हमको यहाँ पे लगाना है, प्लस लगाना है कि माइनस लगाना है। तो दोस्तों आप जो है दोनों संख्या समान है तो फ्रंट में जो है वो प्लस रहेगा
और ये जो है ये माइनस हो जाएगा, तो ये क्रॉस कंपाउंड हो जाता है, तो इसलिए प्लस जीरो है तो इसमें कुछ जुड़ेगा ही नहीं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये मात्र माइनस पॉइंट फाइव सिलेंड्रिकल हो जाएगा, ये केवल पॉइंट फाइव सिलेंड्रिकल नंबर हो जाता है, क्योंकि अब ये तो जीरो ही है, अगर ये प्लस में हो या माइनस में हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, इसलिए जीरो नंबर जो है वो जीरो ही हो जाता है, कोई मतलब नहीं है इसका। तो हम समझ जाएंगे कि ये जो है माइनस सिलेंड्रिकल नंबर है। तो उम्मीद करता हूं आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा और इस वीडियो से आपको सीखने में काफी मदद मिली होगी। और अगर आपको इसके बारे में अधिक जानकारी चाहिए दोस्तों, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, और अगर मुझसे भी कोई प्रॉब्लम है तो भी आप कमेंट कर सकते हैं, ताकि आपसे मैं कुछ सीख सकूं और मुझसे आप कुछ सीख सकें, और ये रिश्ता हमारा यूं ही चलता रहे। तो इसी के साथ आज का वीडियो बस इतना ही, फिर मुलाकात होगी अगले वीडियो में। नमस्कार दोस्तों।